Hello everyone, welcome to our YouTube channel Aero Short Blast. So today we will talk about the suction type vacuum blasting machine. So basically ये मशीन abrasive blasting का काम करती है। ये मशीन इंजेक्टर से निकलती हुई तेज हवा की मदद से वैक्यूम का यूज करती है। जो वैक्यूम कंप्रेस्ड एयर से बनाई जाती है उसे स्टोरेज टैंक से ब्लास्ट गन में नोजल की हेल्प से प्रेशराइज किया जाता है। ये रिक्लेमर है, ये है स्टोरेज टैंक और यहां से आप मीडिया डाल सकते हैं। यहां है वैक्यूम पंप का इनलेट और साइड में हमें आउटलेट प्रोवाइड किया गया है। यहां दिया गया है स्टार डेल्टा स्टार्टर जहां से आप मशीन को ऑपरेट कर सकते हैं। ब्लास्टिंग प्रोसेस का फिल्टर रेगुलेट दिया गया है और फिल्टर रेगुलेट का ये इनलेट है और ये है आउटलेट जिसको आप बॉल वॉल्व से कंट्रोल कर सकते हैं। ये है डस्ट कलेक्टर जिसके इंटीरियर में फिल्टर लगा हुआ है। फिल्टर को क्लीन करने के लिए सोलेनॉइड वाल्व और पल्स जेट एयर इंजेक्टर से कंप्रेस्ड एयर को प्रेशराइज किया जाता है। यहां पल्स जेट इंजेक्टर का FRB प्रोवाइड किया गया। सक्शन ब्लास्टिंग की प्रोसेस में जो भी पार्टिकल्स इस टूल में जमा होते हैं या यूज होते हैं वो इस होस की हेल्प से रिक्लेमर में आ जाते हैं। रिक्लेमर में जो पार्टिकल्स आते हैं उनमें से हैवी मीडिया नीचे दी गई स्टोरेज टैंक में जमा हो जाते हैं और लाइट वेट मीडिया इस पाइप के थ्रू डस्ट कलेक्टर में जमा होते हैं जो कि स्टोरेज टैंक में रखे जाते हैं। बॉटम साइड में हमें एक रेगुलेटर दिया गया है जिससे ब्लास्टिंग मीडिया की स्पीड को कंट्रोल किया जा सकता है। यहां हमें एक डंपर वाल्व दिया गया है जो सक्शन मीडिया की कैपेसिटी को कंट्रोल करता है। तो अब हम जानते हैं इस मशीन के वर्किंग प्रोसेस को।